this is Karthik sir, your friend, guide and philosopher. Happy to see you all over here. And let us start with the concept of share market. I have prepared a PPT presentation for all of you, jiski madad se you will be able to understand the concept very well. Right? Welcome, dear future investors. मैं अभी से मान लेता हूँ कि आप लोग आने वाले टाइम के इन्वेस्टर्स हैं, चाहे किसी भी चीज में इन्वेस्ट कीजिए. देर आर सेवरल थिंग्स बट इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है. तो शेयर मार्केट के बेसिक्स के अंदर आपको ये भी सीखने को मिल जाएगा कि मार्केट में इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है और आप किस तरीके से इसमें आगे बढ़ सकते हैं. In this PPT, we will going to discuss about the various things of share market. सबसे पहला question, why share market? Share market क्यों? तो सबसे पहले जब share market की बात आती है तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे लोगों के मन की क्या बात होती है, भाई to get rich, हमें अमीर बनना है. तो बेटा क्या सिर्फ अमीर बनना enough है? अमीर बन गए उसके बाद में क्या? हम सभी ऑर्डिनरी पीपल है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रीम्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ. अब तुम सोचोगे सर कौन से ड्रीम्स एंड कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ड्रीम्स कुछ ऐसे होते हैं, मुझे 23 की उम्र में मेरी खुद की कार चाहिए, टिल द एज ऑफ 24-25 मेरा खुद का घर होना चाहिए, 27 की एज में मुझे मिलियनेयर हो जाना है और 35 की एज में मुझे बिलियनेयर हो जाना है, 40 की एज में मैं वर्ल्ड टूर करने जाऊंगा अपने पैसों पे. ये कुछ ऐसे कुछ ड्रीम्स होते हैं हम लोगों के. एंड इवन वी वांट टू रिटायर अर्ली एंड लिविंग पीसफुल लाइफ. बेटा अभी तक आप लोगों का स्ट्रगल शुरू नहीं हुआ है, स्ट्रगल शुरू होगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, खास करके 22, 23, 24 के एज से आपका स्ट्रगल धीरे धीरे स्टार्ट होगा, जो आपके मैरिज के बाद में और भी प्रबल हो जाएगा क्योंकि अब आपके माथे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी. तो ड्रीम्स तो हम सभी के होते हैं बट एक पॉइंट के बाद में बेटा चाहो या ना चाहो आपके माथे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ ही जाती है. 23-24 तक हमारे मैरिज हो जाएंगे, 26-27 तक वी विल बी हैविंग अवर चाइल्ड, उसके बाद में वी विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस. फिर अपने बच्चे होंगे तो उनके एजुकेशन के एक्सपेंसेस होंगे, हमने कुछ लोन्स लेके रखी होगी, ईएमआईज भरने होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इसके बाद में अगर आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, जो अभी हाल अपन इतने सारे ड्रीम्स देखे, तो क्या ये ड्रीम्स इजीली फुलफिल हो सकते हैं जो सैलरी हमको मिलने वाली है? जो हमारी सैलरी होगी स्टार्टिंग की 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 40,000 की भी सैलरी के अंदर क्या आप अपने उन ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएंगे? नहीं. और दूसरा, वी कैन नॉट डू टू फुल टाइम जॉब्स एट द सेम टाइम, हम एक ही टाइम पे दो जॉब्स भी नहीं कर पाएंगे. और ये भी नहीं होगा कि समवन एल्स इज गोइंग टू वर्क फॉर यू टू अर्न मनी फॉर यू, कि भाई तू जाके काम करके आ जा मुझे पैसे दे देना, ये भी नहीं होगा. हमें अगर ज्यादा कमाना भी है और अगर हम चाहते हैं कि मैं ज्यादा ज्यादा काम करूं मेहनत करूं, तो क्या एक ही टाइम पे आप दो अलग अलग जगह पे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते. देन वी लुक अराउंड अस एंड सी दैट मैक्सिमम पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन शेयर मार्केट. अब हम देखते हैं लिफ्ट से निकलते ही कुछ दूर चलते ही यहां वहां सब जगह पे मार्केट की बात हो रही है. मैंने ये लिया इतने में गया, तेरा कितने में गया, मेरा तो इसका खर्चा निकल गया. अब चाहे वो बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉय हो कोई भी कंपनी का, या आपका नेबर हो, आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो, कोई ना कोई आपको शेयर मार्केट के अंदर बैठा हुआ मिल ही जाता है. बट वी हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. अब अपने को ये तो पता चल गया कि अपने पास खाली शेयर मार्केट का ऑप्शन है. अगर आपको अपने काम के साथ में कमाना हो तो आपके पास में सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है शेयर मार्केट. बट उसके साथ में प्रॉब्लम है, वी हैव नो नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट, वो कैसे काम करता है, इन्वेस्ट कैसे करना है, when to invest, etc., etc. These are our basic problems. So that's it. Let's get started. इसके solution की तरफ बढ़ते हैं. अगर आपकी भी same problem है
क्योंकि मैं जहां तक जानता हूँ यूथ की ऐसी इच्छा है कि बहुत ही छोटी एज के अंदर मुझे इसका नॉलेज ले लेना है, इसमें इन्वेस्ट करना है और खूब सारा पैसा कमाना है, उससे मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। आज का बेसिक यूथ ये चाहता है कि जैसे किसी पे डॉक्यूमेंट्री बनी है, एक डॉक्यूमेंट्री मुझ पर भी बननी चाहिए इस तरह की तो मजा आए। जैसे राकेश झुनझुनवाला का नाम है, मेरा भी नाम होना चाहिए। जैसे वॉरेन बफे को हम जानते हैं, हमें भी लोग जानने चाहिए। नो बिग डील, अगर आप ये सोचते हैं तो गलत नहीं है। सबसे पहले शेयर मार्केट के बारे में जानने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट्स, व्हाट पीपल थिंक्स अबाउट शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में लोग क्या कहते हैं। शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारा गुड लक चाहिए। तो बेटा पहले इस स्टेटमेंट के बारे में आपको बता दूं कि आप सिर्फ 2-4-5 हजार से भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, आपको किसी तरह की बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आपको किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, आप छोटे से छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप 2-5 शेयर खरीद करके भी अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो पहली बात तो गलत है। दूसरा, गुड लक चाहिए। मैं इस बात को थोड़ा सा कम मानता हूं, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया है, अगर आपने थोड़ा सोच विचार करके किसी स्टॉक को चुना है और उसमें इन्वेस्ट किया है, तो वो आपको जरूर एक बहुत अच्छा रिटर्न देता है, उसमें आपका लॉस होने का कोई चांस नहीं है। तो गुड लक सेकेंडरी लेवल पे आता है, प्राइमरी लेवल पे तो बेटा आपका खुद का एनालिसिस आता है, अपना खुद का विजडम आता है। फिर लोग कहते हैं वन हैज टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी। अरे यार, मैं कोई सीए थोड़ी ना हूं, मैं कोई कंपनी सेक्रेटरी थोड़ी ना हूं। तो नॉट एट ऑल। मैंने कैसे कैसे लोगों को शेयर मार्केट के अंदर कहां कहां पहुंचते देखा है। आज जो top 10, top 15, top 20 के अंदर आते ना इंडिया के, उसमें आप देखेंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो मैक्सिमम पीपल, कुछ लोग 100% सीए भी है, सीएस भी है, कुछ लोग सिर्फ एलएलबी या एलएलएम है, कुछ लोगों ने सिर्फ एमकॉम किया है, कुछ लोगों ने सिर्फ बीकॉम किया है, और उसके बाद में भी दे आर ऑन द टॉप लिस्ट। अंडरस्टैंड? तो इसका किसी ऐसा जरूरी नहीं है कि सीए हो या कंपनी सेक्रेटरी हो तो ही आप शेयर मार्केट में जा सकते हैं। लेकिन 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 अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी है तो आप इसमें पैसा बहुत बना सकते हैं, ये मेरी गारंटी, क्योंकि उस बंदे को ऑलरेडी बहुत अच्छा एनालिसिस आता है, वो अकाउंट्स को बहुत सही तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए अगर आप सीए सीएस होते हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा एडवांटेज है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ये नहीं है तो आप शेयर मार्केट के अंदर नहीं जा सकते। आई होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। पार्शली ट्रू टॉक्स। अब कुछ ऐसी बातें डिस्कस करते हैं जो कुछ हद तक सही है। पहला, इट्स रिस्की। एब्सोल्युटली बेटा, शेयर मार्केट रिस्की है। जिसने आज लाखों रुपए लगाए हैं उन्हें नहीं पता, उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। कोविड इशू आया था, लॉकडाउन आया था, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसके आने के बाद में सलंग 3 दिन तक मार्केट क्रैश हुआ था और बहुत नीचे गया था, जिसमें लोगों ने अपने लाखों रुपए कमाए थे। तो वो रिस्की है, दैट्स ट्रू, बट इट्स नॉट रिस्की ऑल द टाइम। क्या पूरे साल हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स चलती ही रहती है? क्या ये प्रॉब्लम्स चलती ही रहने वाली है? नॉट एट ऑल। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जब सब कुछ खत्म होगा, तो धीरे धीरे मार्केट फिर से ऊपर जाना शुरू करेगा। और जैसा कि मैंने आपको मेरे स्किल डेवलपमेंट के लेक्चर के अंदर बताया था, अप्स एंड डाउन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, दे आर द पार्ट ऑफ लाइफ। उसी तरीके से मार्केट में बेटा अप्स एंड डाउन्स तो रहने ही वाले है। दूसरा, लोग कहते हैं कि ये एक जुआ है, ये एक सट्टा है, ये गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग। तो ये उन लोगों के लिए गैम्बलिंग है जो इसको गैम्बलिंग तरीके से खेलते हैं। जो लोग इसको सट्टे तरीके से खेलते हैं, ये समझ के शेयर लेते हैं कि मैं सट्टा बाजार लगा रहा हूं, अभी खरीदना है बेचना है, तो बेटा वो ऑब्वियसली गैम्बलिंग ही हुआ ना। गैम्बलिंग इसीलिए, जैसे क्रिकेट मैच, चालू होने से पहले या क्रिकेट मैच जब चालू हो रहा होता है तो 15 ओवर में कितने रन बनेंगे, 30 ओवर में कितने रन बनेंगे, कौन सी टीम जीतेगी, लोग बैट लगाते हैं। तो ये क्या है? ये गैम्बलिंग है, उस चीज पर बैट लगाना जो पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है। तो शेयर मार्केट में भी ऐसा ही है ना,
आपको क्या पता कि मार्केट के भाव ऊपर होने ही वाले हैं या मार्केट के भाव नीचे जाने वाले हैं, शेयर का प्राइस बढ़ेगा घटेगा, आपको कुछ नहीं पता। तो इट्स गैम्बलिंग, यस वी लूज एवर एवरीथिंग इन शेयर मार्केट, हम अपना सब कुछ खो बैठते हैं शेयर मार्केट के अंदर, गलत नहीं है। मैंने कहा है पार्शियली ट्रू टॉक्स, तो मैं आपको दोनों पहलू बता रहा हूं। अगर काफी लोगों ने अपना बहुत कुछ खोया है, अपनी जिंदगी तक खोई है, तो बेटा इसी शेयर मार्केट में बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत कुछ बना भी लिया है। और तुम लोग आज अगर इस लेक्चर में बैठे हो तो उन लोगों की वजह से नहीं जो लोग इसमें खो चुके हैं, बल्कि उन लोगों की वजह से जो लोग इसमें बहुत कुछ बना चुके हैं। तो आप लोग स्पेसिफिकली उसी के लिए इस मार्केट के लेक्चर के अंदर बैठे हैं। तो ये दोनों तरह का टॉक तुमको पता चल गया, ट्रू भी है फॉल्स भी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको लेके चलते हैं। ये सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं, इस सब का सॉल्यूशन आपको इसी लेक्चर में मिल जाने वाला है। लास्ट की तीन स्लाइड्स बहुत ही शानदार है, जिसके अंदर आपको गोल्डन स्टेटमेंट, गोल्डन रूल और एक बहुत अच्छी केस स्टडी मैं बताने वाला हूँ इसके ऊपर। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या है, सबसे पहले उसके बारे में हम जानते हैं। तो बेटा नंबर वन, सेल और बाय शेयर्स इन द मार्केट, ये एक मार्केट है बेटा जहां पे आप अपने शेयर्स को बाय या तो सेल करते हैं, कंपनी के शेयर्स को आप खरीदते हैं या तो बेचते हैं। जैसे ही आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं आप उसके ओनर बन जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर शेयर क्या होता है, तो बेटा कोई भी कंपनी है, कंपनी ने मान लो 1,000 रुपया इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी बनाई, तो 1,000 रुपया उसके मालिक का है। उस मालिक ने क्या किया, उस 1,000 रुपए के छोटे छोटे एक एक टुकड़े कर दिए, मतलब 1,000 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा 1 रुपए में बेच रहा है। इस एक टुकड़े को बोलते हैं शेयर। हम जो बोलते हैं ना शेयर खरीदना है शेयर बेचना है, तो कंपनी ने अपने टोटल जितने की वो कंपनी है ना उसके टोटल जो अमाउंट है उसको छोटे छोटे ब्लॉक पीस कर दिए होते, छोटे टुकड़ों में बांट दिया होता है। मान लीजिए 1,000 रुपए का उसका कंपनी है, ये एग्जाम्पल है, 1,000 में कोई कंपनी नहीं होती है, लेकिन मान लीजिए 1,000 रुपए की कोई कंपनी है, उन्हें अपने शेयर के प्राइस 1 रुपए रखने हैं, तो उन्हें उनको कितने शेयर टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा, एक एक टुकड़ों के अंदर, मतलब 1,000 रुपए के 1,000 शेयर भार बेचेंगे तब वो 1 रुपए का मिलेगा। अगर उन्हें अपने शेयर का प्राइस 2 रुपए का रखना हो तो वो क्या करेंगे, इन दैट केस उनको 500 शेयर भार निकालने पड़ेंगे 2 रुपए के, तब जाके 1,000 रुपए का शेयर बनेगा। इस तरीके से वो डिसाइड करते हैं कि उनको कितने शेयर रखने हैं या कितने प्राइस के शेयर रखने हैं। अंडरस्टूड? तो ये शेयर जैसे हम खरीदते हैं कि भैया आपकी कंपनी है तो मुझे आपका शेयर चाहिए, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। कंपनी को जब पैसों की जरूरत होती है तब कंपनी मार्केट में अपना शेयर बाहर निकालती है। कंपनी को पैसे की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि कंपनी को उस पैसे से और बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी होती है, उससे वो कमाते हैं, उससे आप कमाते हैं, जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट के अंदर लिखे रखा हुआ है। तो जैसे ही आप कहते हैं कि मुझे आपका शेयर खरीदना है, अब भले ही आपने 5 शेयर खरीदे लेकिन आप उसके ओनर कहलाएंगे, भले ही 0.00001%, लेकिन आप उसके ओनर कहलाते हैं जब भी आपके पास में किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं। यू बिकम ओनर ऑफ द कंपनी बाय परचेजिंग इट शेयर, आपने उसके शेयर खरीद के आप उसके ओनर बन गए। एंड इन्वेस्टिंग एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट डालकर के आप उसके शेयर परचेस करते हैं, जितने का भी उसका शेयर है, तो आप उसके ओनर बन जाते हैं। अब उन पैसों का कंपनी क्या करती है, कंपनी उन पैसों को कहीं पे इन्वेस्ट करती है प्रोडक्शन एक्टिविटी में, या तो खुद ही अपनी एक्टिविटी बढ़ाती है या वो खुद कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करती है और बाद में खूब सारा प्रॉफिट कमाती है। अगर कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है तो आपको भी उसमें से कुछ हिस्सा मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर आपका भी इन्वेस्टमेंट था। लेकिन अगर कंपनी ने लॉस किया है तो उसमें आपको भी कुछ खोना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने जो लॉस किया उसके अंदर आपका भी अमाउंट था। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपने 1,000 कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं विच हैज शेयर प्राइस ऑफ 80 रुपीज, 1,000 शेयर खरीदे हैं 80 रुपए के हिसाब से, मतलब आपने पे किया 80,000 रुपीज। नाउ इफ कंपनी परफॉर्म्स वेल, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, कंपनी ने अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया, तो उसके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे 80 रुपीज के, मान लेते हैं 95 रुपीज हो गए, 15 रुपए बढ़ गए,
इसका मतलब है आपने जो 80,000 रुपया इन्वेस्ट किया था वो अब हो चुका है 95,000 रुपीज, मीन्स यू हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 रुपीज. बट इफ कंपनी डू नॉट परफॉर्म वेल देन द शेयर प्राइस डिक्रीजेस. मान लेते हैं 80 रुपीज से 70 रुपीज हो गया, मतलब 10 रुपया प्राइस कम हो गया. 5 रुपए भी कम हो सकता है, 2 रुपए भी कम हो सकता है, कम ज्यादा कितना भी कुछ भी हो सकता है. तो उस यहाँ पे क्या हुआ, अब आपका शेयर जिसमें आपने 80,000 रुपए लगाए थे वो हो चुका है 70,000 रुपए का, मतलब आपने लॉस किया है 10,000 रुपीज का. व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? बेटा स्टॉक एक्सचेंज एक जगह होती है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग का काम होता है. आपने स्कैम 1992 के अंदर देखा होगा, हर्षद मेहता जब पहली बार अपने दोस्त भूषण के साथ में जाता है तो वहां पे जिस रिंग में वो जाते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज है, वहीं पर इसे बाइंग एंड सेलिंग होती है. ये उस जमाने की बात है जिस टाइम पे ऑनलाइन का कोई चलन नहीं था, जो अभी रिसेंट के अंदर आया है. उस टाइम पे अगर आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट करना हो तो खुद फिजिकली जाकर के करना पड़ता था या तो फोन पे करना पड़ता था. मैं आपको बता दूं बेटा, सबसे पहले दो तरह के मार्केट होते हैं. एक होता है प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है नवी नवी सिक्योरिटीज जब मार्केट में आती है, कंपनी खुद लेकर के आती है. मान लीजिए मैं खुद एक कंपनी हूं, अभी मैं अपने हिसाब से चल रहा हूं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जाकर के मुझे पता चला कि मुझे खूब सारे पैसों की जरूरत है. अगर लोग मुझे पैसा दे देवे तो मैं अच्छा इन्वेस्टमेंट करके खूब सारा पैसा कमा सकता हूं, खूब सारा पैसा बना सकता हूं. तो इन दैट केस प्राइमरी मार्केट वही है जब मैं पहली बार अपने शेयर्स बाहर निकालता हूं, जिसे हम आईपीओ कहते हैं. फर्स्ट टाइम मैं मार्केट में शेयर्स बाहर निकालता हूं, लोग उसको खरीदते हैं, आईपीओ बढ़ते हैं. आईपीओ क्या है वो आगे बताऊंगा मैं आपको. फिर आता है सेकेंडरी मार्केट. नाउ व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट? एक बार आपने कोई शेयर परचेस कर लिया, अब वो शेयर आप किसी और को भी सेल कर सकते हैं, किसी और को बेच सकते हैं. ये चलता है डिमांड और सप्लाई पे. जैसे अगर उसकी डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा. सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम होगा. तो डिमांड सप्लाई पे से सेकेंडरी मार्केट चलता है. आप जो मैक्सिमम देखते हैं बेटा वो सेकेंडरी मार्केट ही है. सारे ओल्ड शेयर्स होते हैं, एक दूसरे को बेचा जाता है. अब मैं उसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूं. मान लीजिए दो लोग हैं, दो लोग एक कंपनी को देख रहे हैं. मान लेते हैं रिलायंस, रिलायंस के शेयर मान लेते हैं 1,000 रुपए के. किसी रीजन से 1,000 से घट करके भाव आ जाता है 800 रुपया. अब एक बंदा है जो सोचता है कि ये बहुत अच्छा मौका है इस शेयर को खरीदने का, और दूसरा सोचता है कि हो सकता है इससे भाव और नीचे जा सकते हैं तो मुझे और लॉस नहीं करना है. तो ऐसे टाइम पे वो दोनों मिलते हैं, एक डिमांड वाला और एक सप्लाई वाला. एक जो सोचता है कि ये बहुत बेस्ट टाइम है परचेस करने का, और दूसरा जो सोचता है ये सही टाइम है बेचने का. ये दोनों मिलते हैं और अपने एक फिक्स प्राइस पे एक दूसरे को शेयर की अदला बदली करते हैं, एकदम यू नो आपकी खुद के कंसेंट से, म्यूचुअल कंसेंट से. अब मैं आपको बता दूं बेटा, इंडियन मार्केट जो है वो बेस है दो मेन मार्केट के ऊपर. दो मेन मार्केट है इंडियन मार्केट के जिसके ऊपर वो बेस है. सबसे पहला है एनएससी और दूसरा है बीएससी. So let us talk about that, ये वो क्या चीज है. सबसे पहले आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. 1875 में स्टार्ट हुआ था. आपके सामने उसका शानदार फोटो है. एग्जैक्टली यही वो रिंग है, यही वो प्लेस है जहां पे टाइम पे हर्षद मेहता अपना खेल दिखाया करते थे. मुंबई के दलाल स्ट्रीट पे दिस इज वेरी फेमस. मैं आपको बता दूं बेटा, वर्ल्ड के अंदर ये 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है. इसमें 5,000 से भी ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है. मान लीजिए लगभग 5,500 के आसपास. जैसे अपन को बुखार आता है तो कैसे पता चलता है? थर्मोमीटर से हम चेक करते हैं कि हमें कितना डिग्री बुखार है. वैसे ही मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है वो आपको कैसे पता चलता है? तो बेटा बैरोमीटर से. उसका बैरोमीटर कौन सा है? सेंसेक्स. आपने बहुत बार सुना होगा सेंसेक्स. सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स का मतलब होता है सेंसिटिव इंडेक्स. अब मैं आपको बता दूं बेटा, बीएससी वो चीज है जिसके अंदर टॉप की 30 कंपनीज लिस्टेड होती है. वो कौन सी कंपनी है उसकी लिस्ट आपके सामने है बेटा.
लिस्ट ऑफ बीएसई सेंसेक्स कंपनी, मार्केट की बड़ी बड़ी टॉप की 30 कंपनीज को मिक्स कर दिया जाता है, मतलब एक साथ में एक जगह पे ले लिया जाता है बीएसई के अंदर, और उनका परफॉर्मेंस देखा जाता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो मार्केट में बाकी भी अच्छा परफॉर्म कर ही रहे होंगे, और अगर ये खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो मार्केट में भी खराब परफॉर्मेंस हो रहा होगा। तो इनके ऊपर से मार्केट ऊपर नीचे जाता है। अब इस ऊपर नीचे से मैं आपको बता दूं, दो वर्ड निकलते हैं, बुल एंड बेयर, बुलिश मार्केट, बेरिश मार्केट। हर्षद मेहता इज अ बुल, बिग बुल। नाउ व्हाट इज दैट बुल? बुल का मतलब वो होता है जब मार्केट ऊपर जाता है तब उसको बोलते हैं बुलिश मार्केट। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है? बुलिश ट्रेंड चल रहा है। लेकिन यही मार्केट जब नीचे जाता है, स्लैक होता है, उसको बोलते हैं बेयर। कभी बुल को देखा है? बुल को, बुल के बड़े बड़े सिंगड़े होते हैं, बुल अपने सिंगड़े से उछाल करके सबको ऊपर उछालता है, इसलिए बुल का वही सिंबल देके रखा है कि बुल अपने सिंगड़े से मार्केट को ऊपर लेके जाता है अपने हॉर्न से, और बेयर हाथ मार के उसी मार्केट को गिरा देता है। ये दोनों उसके तो आपको पता चला बुलिश मार्केट क्या है, बेरिश मार्केट क्या है। ये जो छोटे छोटे जो प्राइस ऊपर जाती नीचे जाती है वो क्या है मालूम है? जब भी कंपनी को कोई अच्छा ऑर्डर मिलता है या कोई अच्छी न्यूज आती है या कोई भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल सर्कमस्टेंस आता है तब कंपनी को प्रॉफिट होता है। कंपनी बीएसई में फोन करके अपना प्रॉफिट बुक करती है कि मुझे फायदा हुआ, और तुरंत उसके शेयर का प्राइस उतने फायदे से बढ़ जाता है। द नेक्स्ट इज एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टार्ट हुआ था 1992 के अंदर। मैं आपको बता दूं 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ वर्ल्ड के अंदर, और 1600 से भी ज्यादा कंपनीज इसमें रजिस्टर्ड है। इसका बैरोमीटर कैसे पता चलता है बेटा? तो निफ्टी से पता चलता है, निफ्टी से। अब निफ्टी क्या है? निफ्टी का मतलब होता है निफ्टी 50, नेशनल 50। ये रही कुछ निफ्टी की कंपनीज जो इसके अंदर रजिस्टर्ड है। इन पर से ये लोग नक्की करते हैं कि निफ्टी अभी कैसा जा रहा है। आप मार्केट में देखेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स यूजुअली सेम डायरेक्शन के अंदर ही काम करते हैं। दैट्स इट। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर आपने ध्यान दिया हो तो रिसेंटली बर्गर किंग का एक आईपीओ आया था। बर्गर किंग को पैसों की जरूरत थी कि अभी आप लोग हमको पैसा दो तो हम आपको सामने अच्छा पैसा कमा करके देंगे, इस पैसे को हम कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, वहां से हमें प्रॉफिट मिलेगा, उसमें से आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ प्राइवेट कंपनी कैन गो पब्लिक बाय सेल ऑफ इट्स स्टॉक टू जनरल पब्लिक। आफ्टर आईपीओ द कंपनी शेयर आर ट्रेडेड इन एन ओपन मार्केट। एक बार हमने खरीद दिए फिर हम ओपन मार्केट में इसको ले वेच करते हैं। Those shares can be further sold by investors through secondary market trading. पहली बार जब आया तो बेटा मैंने आपको बताया तो उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। अब मैंने खरीद किया, अगर किसी और को बेचा ना तो उसको बोलते सेकेंडरी मार्केट, फिर वो बन जाता है सेकेंडरी मार्केट। फिर आप किसी को भी लो, किसी को भी बेचो, वो सब बेटा सेकेंडरी मार्केट में ही काम करता है। तो दिस इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मेरी पर्सनल सलाह आपको ये है कि आईपीओज में आपको खूब सारा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आईपीओज आपको कम टाइम में छोटे छोटे अच्छे प्रॉफिट बना करके देते हैं। तो अगर आपको सेफ गेम खेलना है तो आईपीओ इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में आईपीओ आया या नहीं? तो बेटा बाहर है ना बड़े बड़े वो हैंडीज और बैनर्स लगे होते हैं, उसके अलावा जब आपका खुद का अकाउंट ओपन होता है तो आपको ना आपका ब्रोकर ही बताता है। ब्रोकर क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको इन्फॉर्मेशन मिली जाती है कि भी इसका आईपीओ आया है, अगर आपको भरना है तो आप भर सकते हैं। तो एक फॉर्म आता है, आपको फॉर्म फिलअप कर देना है, साइन कर देना है, और जितने रुपए का आईपीओ है आपको उतना इन्वेस्ट कर देना है। अमाउंट होती है 15,000, 12,000, 16,000, 20,000, इतनी छोटी अमाउंट होती है जो 4-5 दिन के लिए आपके इन्वेस्ट होते हैं। उसमें से आप 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 डिपेंड्स ऑन द कंपनी ऐसे पैसे कमाते हैं। लेकिन बेटा फिर से बता दूं, इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
अगर आपने सोचे समझे बिना किसी भी कंपनी पे पैसा लगा दिया तो बेटा लॉस भी खा सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये बाइंग एंड सेलिंग कैसे होता है, हाउ टू बाय एंड सेल। तो पहले बेटा इसका सिस्टम समझ लो। मार्केट के वर्किंग आवर्स होते हैं 9:50 सुबह सुबह 9:15 को मार्केट खुलता है और 3:30 बजे तक मार्केट चलता है दोपहर के, उसके बाद में बंद हो जाता है। मार्केट के वर्किंग डेज है मंडे टू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे मार्केट चलता है, सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है। अब आपको अगर बाइंग सेलिंग करनी है तो आपको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले बेटा आपको चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट। यू नीड वन ट्रेडिंग अकाउंट एंड वन डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए ट्रेड करने के लिए, अगर आपको शेयर्स बाय करने हैं सेल करने हैं तो इसी में से बेटा आपका पैसा कटने वाला है। आपके बैंक अकाउंट में से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पैसा जाता है और यहीं से सीधा मार्केट के अंदर पैसा जाता है। तो शेयर्स की लेन देन बेटा आप करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर से। बाद में चाहिए बेटा आपको डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्यों होते हैं बेटा, शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए। मैं आपको बताऊं बेटा, काफी टाइम पहले 1990s के टाइम पे जो शेयर का सिस्टम था ना वो कैसा था मालूम है, आपको मिलते थे शेयर सर्टिफिकेट। उस टाइम पे ऐसे मोबाइल पे शेयर नहीं आ जाते थे, आपको शेयर का सर्टिफिकेट मिलता था, तुम्हारे पास इतने रुपए का शेयर है, इतना शेयर है, अगर आपने उसको संभाल के रखा है तो आप कभी भी उसको सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर। अगर वो फट जाता है खो जाता है तो बेटा वो आपका नुकसान है। तो सोचो कितनी प्रॉब्लम थी, वो चोरी हो जाने का डर था, फटने का डर था, खोने का डर था, कुछ भी हो सकता था। इसीलिए हम एक बहुत अच्छा नया सिस्टम लेकर के आए जिसका नाम है बेटा डीमटेरियलाइजेशन। वो जो मटेरियल फॉर्म था ना पेपर कागज मटेरियल, उसको हमने डीमटेरियल कर दिया, हमने डिजिटल फॉर्म कर दिया कि अब उसके खोने का चोरी होने का फटने का गीले होने का कोई डर नहीं है। वो सीधा आपके अकाउंट के अंदर आता है डिजिटल फॉर्म के अंदर, जो आप कहीं पर भी बैठ करके मोबाइल पे देख सकते हैं, कंप्यूटर पे देख सकते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि सर डीमैट अकाउंट कैसे खुलता है। पहले तीसरा पॉइंट बढ़ते बेटा स्टॉक ब्रोकर। आपको स्टॉक ब्रोकर की भी जरूरत है, ये एक मीडिएटर है जो आपको हेल्प करता है बाइंग और सेलिंग के अंदर। अगर आपको कुछ बाय करनी है सेल करनी है तो आप सीधा कंपनी में फोन नहीं करते, आप इनको फोन करते हैं, आपको एक मीडिएटर चाहिए। ये सेबी का रूल है। अब ये सेबी कौन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। सेबी एक मॉनिटर है जो ध्यान रखता है बीएससी एनएससी के ऊपर, क्योंकि जहां पैसा होता है वहां पे चोर भी होते हैं, तो यहां पे चोरी ना हो, जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ में चीटिंग ना हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखने के लिए सेबी हमेशा अपना वॉच इनके ऊपर रखते हैं। और सेबी के अपने खुद के बहुत सारे नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो सभी को स्ट्रिक्टली फॉलो करने भी पड़ते हैं। अगर कोई कंपनी उन नॉर्म्स को फॉलो ना करे तो सेबी के पास पूरा पूरा राइट है कि उस कंपनी को लिस्टिंग स्टॉक मार्केट में से निकाल फेंके। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रही या उसकी वजह से अननेसेसरी लोगों को लॉस हो रहा है इन्वेस्टर्स को, तो बेटा उसको सेबी निकालने का हक रखती है। तो आपको स्टॉक ब्रोकर की जरूरत है बेटा। स्टॉक ब्रोकर वो है जो बीच में रहता है और आपको बाइंग सेलिंग के अंदर हेल्प करता है। आप उसको फोन करते हैं, भाई मुझे ये खरीदना है, मुझे ये बेचना है, 100 शेयर खरीद दो, 20 शेयर खरीद दो, और बेटा यही वो स्टॉक ब्रोकर है जिसके पास में आप अपना डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते हैं। और दूसरा, कुछ स्टॉक ब्रोकर्स इतने बढ़िया होते हैं जो आपको आइडिया देते हैं कि अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, वो आपको टिप देते हैं कि अभी आपको क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं टिप पर नहीं जाना चाहिए, टिप पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वो गलत कहते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, हर टिप पे विश्वास नहीं करना चाहिए, हर टिप पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ टिप्स तो होती है बेटा लेने के लिए, क्योंकि जो टिप देते हैं ना बेटा वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस का फायदा लेना चाहिए अगर वो आपको दे रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक द एडवांटेज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। देयर आर मेनी पीपल फ्रॉम होम आई एम इवन टेकिंग दीज सजेशंस
फॉर द शेयर मार्केट. स्टॉक ब्रोकर के कुछ नाम बता दूं मैं आपको, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी, ईडल विसेस, मोनार्क लिमिटेड, ये सब ब्रोकर्स ही है. आप इनके पास जाइए, आप उनको बोलिए कि भाई हमें डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है. उन्हें इतनी ज्यादा आपकी पड़ी होती है ना कि वो आपके घर पे अपने लोगों को भेजते हैं कि वो आते हैं, आपसे साइन करवाते हैं, चेक्स लेकर के और चले जाते हैं, आपका अकाउंट ओपन हो जाता है 24 आवर्स के अंदर. और उसके बाद में यू कैन स्टार्ट योर बाइंग एंड सेलिंग एंड ट्रेडिंग. ये लोग आपको ऐसी सर्विसेज भी देते हैं कुछ ब्रोकर्स के भी, अगर आप एक्स्ट्रा हमको 3000 या 5000 रुपीज अगर आप पे करते हैं तो हम आपको श्योर शॉर्ट टिप देते हैं, वैल्यूएबल टिप देते हैं. एंड लेट मी टेल यू ऑन माय एक्सपीरियंस, टिप्स वर्क्स. उनकी कुछ टिप्स ऐसी होती है जो वाकई में काम करती है. हाउ डज शेयर मार्केट वर्क, शेयर मार्केट काम कैसे करता है? तो बेटा पहले तो इन फोटोज को देख करके समझ लीजिए कि शेयर मार्केट कैसे भी काम करे, आपको ऐसे काम करना है. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट ऊपर कैसे जाता है, मार्केट नीचे कैसे जाता है. तो सबसे पहले आता है बेटा ओपिनियन ऑफ द पीपल, लोगों के ओपिनियन कैसे हैं किसी कंपनी को लेकर, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर, कंपनी काम कैसा कर रही है. लोगों के ओपिनियन पे दूसरे लोगों के कान लगे रहते हैं. अगर आपने 1992 स्कैम मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से एक दूसरे को बोल बोल करके वो किसी शेयर का प्राइस बढ़वा सकते हैं, डिमांड करवा सकते हैं. ये वही बात है बेटा कि ये कंपनी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, अरे ये कंपनी तो ऊपर जाने ही वाली है. जब लोगों के ओपिनियन पॉजिटिव होते हैं तो कंपनी के अंदर वो न्यूज फैलती है और ये शेयर का प्राइस ऊपर जाता है. दूसरा, परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. कुछ कंपनीज क्या परफॉर्मेंस कैसा है, जैसे कितना अच्छा वो ट्रेड कर रही है, कितने नए नए वो वेंचर्स चालू कर रही है, कितने अच्छे डीलिंग्स कर रही है. जैसे रिसेंटली आपने देखा वोडाफोन एंड आइडिया मर्ज होकर के BI बन चुके हैं. हमने देखा यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक एक हो जाते हैं. इन मर्जर्स एंड डी मर्जर्स से भी काफी असर पड़ता है. तो परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी का, कंपनी नए नए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट ले रही है, अच्छा कमा रही है, तो बेटा उसके ऊपर से भी उसका प्राइस ऊपर जाता है. अगर कंपनी का परफॉर्म अच्छा नहीं है परफॉर्मेंस, तो वो नीचे जाएगा. एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, आपको यहां तक नजर रखनी पड़ती है किसी कंपनी पे कि कंपनी की एक्टिविटी क्या चल रही है. मतलब कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी है, कंपनी ने डिविडेंड इश्यू कर दिया है, कंपनी ने अनाउंस किया है कि इस बार वो डिविडेंड नहीं देने वाले हैं, कंपनी ने बोनस इशू कर दिया है, कंपनी ने अनाउंस किया है कि इस बार वो दो दो नवी ब्रांच देने वाले हैं. वो सिर्फ आकर के बोल देते हैं ना कि इस बार हमने नक्की किया है कि 3 नवी ब्रांच ओपन करेंगे, सिर्फ इस न्यूज की वजह से भी उनके शेयर के प्राइस ऊपर जा सकते हैं. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सम न्यूज अबाउट द कंपनी और मार्केट, ये थोड़ी सी डेंजरस चीज है. मान लीजिए कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन मार्केट के अंदर लोगों ने गलत अफवाह फैला दी कि कंपनी तो बंद होने वाली है और लोगों के अंदर एक पैनिक छा जाता है कि कंपनी तो बंद होने वाली है, तो लोग क्या करते हैं, फटाफट उस कंपनी के शेयर बेचना शुरू करते हैं. जब वो लोग उस कंपनी के शेयर फटाफट बेचना शुरू करते हैं तो उसकी वजह से कंपनी के शेयर्स के सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और डिमांड हो जाती है जीरो. आपको कॉमर्स के स्टूडेंट्स होने के नाते पता होना चाहिए, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि जब डिमांड एकदम कम हो जाती है तो उसका प्राइस भी एकदम कम हो जाता है. फिर मार्केट के न्यूज आते हैं, जैसे आज मार्केट में कहीं पर भी जाओगे, किसी सब्जी वाले के यहाँ पे खड़े होंगे, पान के गल्ले पे खड़े होंगे, तो उधर हर जगह पे तुमको एक वॉरेन बफेट और एक हर्षद मेहता खड़ा हुआ नजर आएगा जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं मार्केट के बारे में. अरे तू देखने अभी 4 दिन के अंदर मार्केट की ऐसी की तैसी हो जाएगी, तो जोड़े अरे ले मैं तो जोयू जो आ नहीं टकवानू आ तो जोड़े ऊपर जैसे. एनीवेज आई डू एंजॉय देम, मैं उनकी सुनता हूं और बस सिर्फ सुनता हूं, आई डू नॉट रिएक्ट ऑन सच थिंग्स. फिर आता बेटा ओवरऑल इकोनॉमी, अपने पूरे भारत की अर्थतंत्र, भारत की इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, उस पर भी तो बेटा नक्की होता है ना कि पूरा मार्केट कैसे काम करेगा. मान लीजिए कंपनी तो अच्छा काम कर रही है
लेकिन पूरे मार्केट के अंदर कोविड छा गया, तो कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस होने के बाद में भी कोविड या लॉकडाउन की वजह से ये फिर से उसके शेयर के प्राइस डाउन हो जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, ये क्या है। आप बेटा जब शेयर मार्केट में कदम रखेंगे तो आप इन दोनों में से कुछ एक बनने वाले हैं। मैं बता देता हूं ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फिर आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इज जनरेटिंग रिजल्ट विथ ऑफन बाइंग एंड सेलिंग। एक ही दिन के अंदर खरीदा बेचा, आज खरीदा कल बेचा, आज खरीदा दो दिन बाद बेचा, आज खरीद के तुरंत बेच दिया, ये है ट्रेडिंग। और इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग इज टू स्टेडीली बिल्ड वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज मैंने ये शेयर खरीदा है, इसका मार्केट प्राइस ऊपर जाता है कि नीचे जाता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूं, इसके शेयर और खरीदने वाला हूं, खरीदने वाला हूं, खरीदने वाला हूं। मुझे तो ये देखना है कि ये दो साल बाद में क्या कहां होगा, या पांच साल बाद में कहां होगा, या दस साल बाद में कहां होगा। शेयर प्राइस will move in direction to achieve wealth. The company will perform well in the future. Trading के अंदर आपका ध्यान होता है share के price के ऊपर, लेकिन investing में आपका ध्यान होता है company के future performance के ऊपर। Trading, buying shares at lower price and selling at high price. Trading तो वही हुआ, सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा। और investment क्या हुआ, reinvesting profit and dividend. Profits और dividend को reinvest करना, जो भी मिल रहा है उसको वापस से मार्केट में इन्वेस्ट करो, जितना आया फिर से इन्वेस्ट करो, तुम बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। ट्रेडिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जब आपकी ऐसी इच्छा होती है कि मुझे चार पांच दिन में 600-800 1000-5000 रुपए कमा लेने हैं, 10-15 दिन से मुझे 1000-2000 रुपए कमाने हैं, तो बेटर ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करते हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग के अंदर बेटा रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि आपको कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने हैं, और इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क होता है लेकिन ट्रेडिंग से कम। क्यों? क्योंकि आपको लॉन्ग पीरियड के अंदर ज्यादा पैसे कमाने हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर आप खूब अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर। और ट्रेडिंग अगर आपको मार्केट का अच्छा नॉलेज है, अगर आप प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं, तो बेटा आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। मैक्सिमम पीपल इन द मार्केट आर डूइंग ट्रेडिंग ओनली, कुछ लोगों के पास दूसरा काम ही नहीं है, वो ट्रेडिंग ही करते हैं। सुबह 10 बजे मार्केट खुला, वो जाकर के उसके सामने बैठ गए, खरीदेंगे किसी स्क्रिप्ट शेयर का, जो जो शेयर का नाम होता है बेटा उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, जैसे यूको बैंक, तो वो एक स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट में से 200 खरीद कमा लिए, दूसरी स्क्रिप्ट में से 600 कमा लिए, तीसरी स्क्रिप्ट में से 800 कमा लिए, चौथी स्क्रिप्ट में 200 रुपए का लॉस कर लिया। इस तरीके से अलग अलग स्क्रिप्ट पे वो लोग इन्वेस्ट करके दिन का 3-4 हजार रुपया बना लेते हैं। इस हिसाब से उनका महीने का इनकम होता है 90,000 से 1,00,000 रुपए। और इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो बेटा व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, जैसे मैंने ट्रेडिंग का आपको बता दिया, अब जब ये शॉर्ट टर्म है तो मैंने आपको महीने का बताया कि महीने का अगर आप सही तरीके से चलते हैं, सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो पूरे रिस्क के साथ में आपकी इनकम हो जाती है 80,000 से 90,000, 90,000 से 1,00,000 रुपया, अगर दिन का 2-3 हजार रुपया कमाते हैं तो। इन्वेस्टमेंट में क्या है बेटा, वंस यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी, एक अच्छी फ्यूचर वाली कंपनी को देख के आपने उसके शेयर परचेस करने स्टार्ट किए, तो मैं आपको बता दूं बेटा 1980 में जिस इंसान ने रिलायंस के अंदर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे 1980 या 1985, सिर्फ 10,000 रुपए जिसने रिलायंस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिए होंगे और वो भूल गया होगा कि उसने उसके अंदर कुछ इन्वेस्ट किया है, तो वो 10,000 रुपया आज उसका कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपया होता। दिस इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग। और ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी 30 साल तक 40 साल तक रुकना पड़ेगा, 5 साल 10 साल इन्वेस्ट किया, बहुत ही बढ़िया प्राइस आया,
आप चाहे तो बेच करके निकल सकते हैं। चलिए मार्केट को रीड करते हैं, मैं आपको बताता हूँ मार्केट में अप्स एंड डाउन कैसे आए हैं। अगर आप सोचते हैं कि मार्केट में बर्बाद हो जाते हैं, मार्केट में सब खत्म हो जाता है, वापिस ऊपर नहीं आते, तो जरा देखिए। सबसे पहले आप देखिए 1993 में देखिए, 1993 के अंदर शेयर प्राइस को चालू हो रहा है 2,250 रुपए से। सेंसेक्स क्या है, शेयर प्राइस नहीं सॉरी सेंसेक्स, सेंसेक्स शुरू होता है 2,250 रुपए से। आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है, ऊपर नीचे दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग रीजन भी देखने को मिलेंगे कि मार्केट अगर डाउन हुआ तो क्यों हुआ। हर डाउन का एक रीजन है, बिना डाउन के कोई रीजन नहीं है। और अगर बहुत अच्छा अपवर्ड ट्रेंड आपको देखने को मिला तो वो क्यों हुआ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दिया है बैंक कोलैप्स, कोई बैंक कोलैप्स हो जाती है, मार्केट नीचे जाता है। अगर आपको याद हो रिसेंट केस था यस बैंक का, जैसे यस बैंक की न्यूज बाहर आती है शेयर के प्राइस में काफी असर देखने को मिलता है। फिर आप देखते हैं पीएम वाजपेयी रिजाइन, वाजपेयी रिजाइन करते हैं, उस रीजन से मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया है। फिर आप देखते हैं पीएम गौड़ा रिजाइन, अगर गवर्नमेंट बहुत अच्छी है और चली गई तो मार्केट नीचे जाएगा, और अगर मार्केट को गवर्नमेंट के चेंज होने की जरूरत है और अगर वो रिजाइन करती है तो मार्केट ऊपर जाएगा। आप आगे जाके देखिए अराउंड 2000 के ऊपर देखिए स्टॉक मार्केट का स्कैंडल हुआ था, उस स्कैंडल की वजह से मार्केट फिर से 800 से 1000 पॉइंट नीचे गया था, और तुरंत उसके बाद में मार्केट को संभलने का मौका नहीं मिला। यूटीआई में क्राइसिस आया था जिसकी वजह से मार्केट और नीचे गया। उसके बाद में चाहता तो मार्केट ऊपर आ सकता था, लेकिन बैक टू बैक 2001 के आसपास ही यूएस के अंदर टेररिस्ट अटैक हुए थे। अब बेटा याद रखना आपकी इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी के साथ में मैच करती है, इसीलिए क्योंकि उनका भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अपने साथ में होता है, तो जब वहां की इकोनॉमी पे असर पड़ता है तो अपने यहाँ की इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है। उसके बाद में देखिए जनरल इलेक्शन 2004, कांग्रेस विंस, एक डाउन आता है और बाद में धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है। और फिर मैं चाहूंगा आप देखिए 2008 से 2009 के बीच में, ये सबसे स्पेशल स्लाइड है, 2008 से 9 के बीच में मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है लेमन ब्रदर्स फाइल्स फॉर बैंकरप्सी, मार्केट कैसा स्लैश हुआ है तुम जरा देखो, खटाक। जैसे अपने आप एक बहुत शानदार बैंक में से एक दो बैंक है, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, कितनी बढ़िया बैंक है, हम कितना ट्रस्ट करते हैं इस बैंक के ऊपर। उसी तरीके से फॉरेन कंट्री के अंदर बेटा लेहमैन ब्रदर्स करके बहुत ही शानदार बैंक थी, रात को 7 बजे सब दुकान बंद करके बैंक बंद करके अपने अपने घर पे गए, अगले दिन वो बैंक खुली ही नहीं, रातों रात बैंकक्रप्ट हो गई, पैसा ही नहीं है। और इतना काफी नहीं था कि सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने यहां पे सत्यम स्कैंडल हुआ। सत्यम स्कैम क्या है यू कैन गूगल और आई विल गिव यू अ वीडियो ऑन दैट आल्सो, वेरी इंटरेस्टिंग स्कैम। तो बैक टू बैक लेमन ब्रदर्स और सत्यम के स्कैम की वजह से मार्केट एकदम स्लैश जाता है, फिर थोड़ा सा उठता है, लेकिन हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो भयानक रात आई जब टेररिस्ट अटैक हुए मुंबई के अंदर। अब बेटा मुंबई, उसमें जब टेररिस्ट अटैक होते हैं तो पूरा इंडिया हिल जाता है, और आप देख सकते हैं तब वापिस से मार्केट डाउन हुआ था। बस उसके बाद में कोई ऐसा बड़ा स्कैम तुरंत नहीं हुआ था। और साथ ही साथ में अच्छी बात यह भी थी कि यूपीए की सरकार आई थी, यूपीए की सरकार ने अपना सेकेंड टर्म स्टार्ट किया था, सेकेंड टर्म। देखिए तुम देख रहे हो मुंबई टेररिस्ट अटैक है, या कोई बैंक हाथ ऊंचा कर देती है, ऐसी छोटी छोटी रीजन, कोई रिजाइन दे देता है बड़ा पीएम या सीएम, उसकी वजह से भी बैंक के ऊपर काफी असर पड़ता है, इन न्यूज का बैंक के ऊपर काफी असर पड़ता है।
अब अच्छी गवर्नमेंट आई तो मार्केट देखो कितना ऊपर गया, कितना बढ़िया तरीके से, जो नीचे गिरा था सटाक करके उठा और रातों रात बेटा सबने खूब पैसा कमा लिया होगा उसके अंदर। अच्छा उसके बाद में मैं चाहूंगा आप देखे 2012 से 13 जो सबसे लास्ट का है वो देखिए, 2013 के बाद का इंडेक्स आपके सामने अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मार्केट सपाट करके ऊपर गया था मेरे दोस्तों, बहुत ऊपर गया था। क्यों? क्योंकि 2014 के अंदर जब सर्वे आया था, मालूम है वोटिंग से पहले सर्वे आते हैं कि कौन जीतने वाला है, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी का एग्जिट पोल सबसे हाईएस्ट था। सिर्फ अरे अभी तो जीते भी नहीं थे, सिर्फ जैसे ही एग्जिट पोल आया ना कि मोदी जी जीतने वाले, उसकी पूरे पूरे चांसेस है, सबका एग्जिट पोल वही है, तुरंत मार्केट भागा, मतलब एकदम ऊपर गया। अब यहाँ पे बेटा मैं मोदी जी के गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ उस टाइम पे सिनेरियो क्या था, आपको किस बात का नॉलेज होना चाहिए। उस टाइम पे बेटा एक थी, बहुत सारी गवर्नमेंट मिलकर के एक गवर्नमेंट बनाई थी और दूसरी तरफ मोदी सरकार थी, तो जब चार पांच लोग साथ में मिलकर के सरकार रच रहे थे और सामने मोदी जी थे, तो वहां पे इंडिया को जरूरत थी बेटा एक स्टेबल गवर्नमेंट की। एक स्टेबल गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है, क्यों मैं आपको वो भी बताता हूँ। अगर चार पांच अलग अलग सरकार है जो साथ में मिलकर के और गठबंधन करके अपनी सरकार चलाती है, अब मान लीजिए कोई इशू आया, समझो राम मंदिर का मुद्दा आया, तो उसमें से तीन लोग बोलेंगे ऐसा करेंगे, दो लोग बोलेंगे हम ऐसा नहीं करेंगे, तीन लोगों ने बोला नहीं आपको ऐसा करना पड़ेगा, दो लोगों ने बोला अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम हमारा सपोर्ट खींच लेंगे। अरे इस तरीके से थोड़ी ना देश चलेगा, एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो खुद अपने डिसीजन अपने बेसिस पे ले सके और उन डिसीजन को पॉसिबल कर सके, दे मेक इट हैपन, कि ये मुझे करना है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और उसी का फायदा मोदी सरकार ने उठाया 2014 के बाद में, जब बहुमत के साथ में सरकार आई तो बहुत सारे बड़े बड़े बहुत शानदार शानदार कदम उन्होंने लिए हैं और उसी की वजह से आज इतना सारा चेंज अपन देख रहे हैं। एनीवेज तो मैंने आपको बताया कि सरकार के आने पर भी बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है। दूसरा बजट, फरवरी में बजट अनाउंस होता है, आप देखिएगा हर फरवरी, हर साल के फरवरी के अंदर आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर नीचे होता है। अगर बजट अच्छा है, मार्केट के फेवर में है, तो मार्केट ऊपर जाएगा 300 पॉइंट 500 पॉइंट 700 पॉइंट, और अगर फेवर में नहीं है या कोई ऐसा रूल आ गया जिससे हजारों का लॉस किसी एक पार्टी को होने वाला है, किसी बिजनेस सेक्शन को होने वाला है या किसी भी एक सेक्शन को होने वाला है, तो मार्केट बहुत नीचे जाएगा। इसे सेंसिटिव इंडेक्स क्यों बोलते हैं मालूम है? ये इतना सेंसिटिव है कि वहां पे लोकसभा राज्यसभा में जब बजट अनाउंस हो रहा होता है तो वहां पे जैसे जैसे न्यूज बाहर आ रही होती है वो न्यूज सुनकर भी मार्केट ऊपर या नीचे होता रहता है। मार्केट इतना सेंसिटिव है, इसलिए इसको सेंसिटिव इंडेक्स दैट इज सेंसेक्स कहते हैं। आई होप यू लाइक दिस शीट, दिस चार्ट एंड एंजॉय हाउ टू रीड द मार्केट, और इसमें से आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला हो। आगे चलते हैं, वॉरेन बफे, हर कोई वॉरेन बफे बनना चाहता है, बट क्या तुम्हें पता है उनकी लाइफस्टाइल कैसी रही है, उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसे की है? तो चलिए मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन दे दूं। वो बॉर्न हुए थे 30th August 1930 को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनके फादर एक स्टॉक ब्रोकर थे और वॉरेन बफेट खुद जब छोटे थे तो वो मैथ्स में बहुत अच्छे थे, इसका उनके लाइफ अचीवमेंट के साथ में एक अच्छा कनेक्शन है, एक अच्छा लिंक है। मैथ्स जिसका अच्छा है या अकाउंट्स जिसका अच्छा है या स्टैट्स जिसका बहुत अच्छा है, अगर उसको इकोनॉमिक्स का बढ़िया नॉलेज हो तो वो मार्केट में आग लगा सकता है। अब इन्हें बचपन से इंटरेस्ट था अपने पापा के काम में। बेटा सभी बच्चे ना अपनी आंखें बंद कर लो और सोच लो कि कार्तिक सर हमें एक स्टोरी सुना रहे हैं, यू नो छोटे थे तो स्टोरी सुनते थे कितनी मजा आती थी, बस आंखें बंद करो और एक स्टोरी सुनो, मैं वॉरेन बफे की स्टोरी आपको सुना रहा हूं। बॉर्न हुए थे 30th August 1930
फादर स्टॉक ब्रोकर थे, खुद मैथ्स में बहुत अच्छे थे, ये उनकी एक अच्छी स्किल थी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था। उन्हें बहुत अच्छा इंटरेस्ट था अपने पापा की शॉप को विजिट करने का। बचपन से ही वो खेलने कूदने नहीं जाते थे, वो कहीं टाइम वेस्ट नहीं करते थे, बाहर जाके बैठ गए, इधर बैठ गए, उधर बैठ गए, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, ना वो अपने पापा की शॉप पे चले जाते और शेयर्स के जो भी प्राइस होते थे ना उसको चौक से बोर्ड पे लिखा करते थे। मतलब सोचो ये उम्र कौन सी तुम्हारे में, 9 या 10 साल की उम्र थी बेटा, 9 या 10 साल की उम्र थी उनकी जब वो ये किया करते थे। उनका इंटरेस्ट देखो तुम, आपका इंटरेस्ट शो कर देता है आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। बोलते ना ट्रेलर बता देता है पिक्चर कैसी होने वाली है। उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया था बेटा 11 साल की उम्र में, जब वो सिर्फ 11 साल के थे उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया। अपनी सिस्टर की हेल्प लेके, उनसे पैसे लेकर के, और उन्होंने पहला शेयर खरीदा था सिटी सर्विसेज का $38 का। और सोचिए वॉरेन बफे ने जो पहला शेयर खरीदा था उन्होंने उसमें ही लॉस किया, क्योंकि शेयर का प्राइस $38 से घट करके $27 हो गया। तब उनकी सिस्टर ऊपर बहुत बिगड़ी, बहुत गुस्सा किया कि यार तेरी वजह से मेरा लॉस हो गया। इसको सुनकर के वॉरेन बफे नाराज नहीं हुए, या वो गुस्सा नहीं हुए, या उन्होंने अपनी होप नहीं छोड़ी। उन्होंने उन शेयर्स को पकड़ के रखा और जब वो शेयर्स $40 के हुए तब उन्होंने उसको सेल किया। मतलब एक बहुत अच्छा प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कमा करके तो निकल ही गए इनमें से। लेकिन उन्होंने अपने इस एग्जाम्पल से एक चीज सीख ली, $40 में बेचने के बाद में उनको भयंकर दुख हुआ। $38 में शेयर्स खरीदे, $27 का हुआ तो उनको लॉस हो रहा था, डर गए, $40 के होते ही प्रॉफिट लेकर के निकल गए और बाद में बहुत पछताए क्योंकि यही $40 वाला शेयर कुछ टाइम में $200 का हो चुका था। सोचो अगर उन्होंने थोड़ा सा पेशेंस रखा हो बात तो कितना बढ़िया पैसा कमाने को मिलता। उन्होंने अपने इस डिसीजन से पछतावा नहीं किया लेकिन ये सीख लिया कि मुझे इसमें पेशेंस रखना चाहिए। और माय डियर पार्टिसिपेंट्स, 13 की उम्र में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था एज अ पेपर बॉय एंड सेलिंग हॉर्स रेसिंग टिप शिट। हॉर्स रेसिंग की ना टिप आती थी कि आप ये खरीदोगे तो आपको फायदा होगा, उस टाइम पे हॉर्स रेसिंग खूब चलती थी, तो इसको बेचना शुरू किया $1, $2। वाओ, मतलब 13 की एज में वो मेहनत करने के लिए कितने जिज्ञासु थे, तो समझ में आ रहा है तुमको? अच्छा, जब वो हाई स्कूल में थे, मतलब अब वो तुम्हारे जितने हो चुके थे, तब तक तो ऑलरेडी उनको कुछ लेने खरीदने और बेचने का एक्सपीरियंस हो चुका था। तुम्हारी उम्र में उन्होंने खरीदा पिन बॉल मशीन खरीद खरीद के जो पैसा उन्होंने पहले कमाया था ना अपने पेपर बॉय और हॉर्स रेसिंग टिप शिट बेच करके उन्होंने जो पैसा कमाया उससे उन्होंने एक पिन बॉल मशीन खरीदा और उसको रख दिया एक बार्बर की दुकान पे। और कुछ ही महीनों में उन्होंने इतना बढ़िया उसमें से पैसा कमाया कि उस पैसे से उन्होंने और ऐसी पिन बॉल मशीन खरीद के अलग अलग जगह पे रख दिया। और ये जो उन्होंने बिजनेस सेटअप किया था ना पिन बॉल वाला अलग अलग जगह पे, उन्होंने इतनी छोटी उम्र में इस बिजनेस को बेचा $1200 के अंदर। यू अंडरस्टैंड, $1200 के अंदर उन्होंने इस बिजनेस को बेच दिया। आई होप आपको कुछ असर पड़ रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा, खून ने ऊपर नीचे होना शुरू कर दिया होगा। अच्छा, इतना ही नहीं है, अब मैं आपको बताता हूं कि बेटा ये सिर्फ ऐसे चलते फिरते नहीं थे कि मुझे इसमें इंटरेस्ट लगा तो मैंने धंधा चालू कर दिया और खूब पैसा बना लिया। माई डियर फ्रेंड्स, जरा देखिए उनका एजुकेशन बैकग्राउंड। यूनिवर्सिटी ऑफ Pennsylvania at the age of 16 to study business for 2 years. 16 साल की उम्र में उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के अंदर 2 साल तक बिजनेस स्टडी किया। वहां से वो नेब्रास्का गए अपनी डिग्री पूरी करने के लिए और 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना कॉलेज पूरा किया और तब तक
उनके चाइल्डहुड बिजनेस से उनके पास में हो चुके थे $10,000। माय डियर फ्रेंड्स, आपने गौर किया? हॉर्स रेसिंग टिप शेट, बार्बर शॉप पे पिन बॉल, ये सब चीजें बेच बेच के पेपर बॉय वाला काम कर करके उन्होंने एक भी रुपया वेस्ट नहीं किया है। उन्होंने वो सारा रुपया इकट्ठा करके संभाल के रखा था। और वो जब ये बिजनेस के लिए स्टार्ट हुए, जब इन्होंने ना कॉलेज पूरा किया, तब उनके पास ऑलरेडी $10,000 रेडी पड़े थे 20 की एज में। हिसाब लगाओ। अच्छा, यहीं पर खत्म नहीं होता बेटा। 1951 में उन्होंने मास्टर डिग्री रिसीव की थी इकोनॉमिक्स के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जहां पे उन्होंने बेंजामिन ग्राहम के अंडर में इकोनॉमिक्स की स्टडी की और उसके अंदर वंडरफुल हुए। और फर्दर उन्होंने एजुकेशन लिया था न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आपको पता चल चुका होगा एजुकेशन का, मैथ्स का और इकोनॉमिक्स का किसी के लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है। अब उन्होंने इन सब चीजों में से जो सीखा था ना टेक्निक, ग्राहम उनके जो सर थे उनसे उन्होंने जो टेक्निक सीखी ना, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने ये सोचा कि मुझे अंडर वैल्यू कंपनी पे पैसा लगाना है, वो कंपनी जिसका मार्केट में आज कुछ खास प्राइस नहीं है, उसको खरीद के उसको बढ़िया बनाना है और उसको बेच देना है। जिसमें से एक कंपनी थी बर्कशायर हैथवे। बर्कशायर हैथवे उनकी सबसे पहली शानदार कंपनी थी जो उन्होंने वापस कभी बेची नहीं। उसके बाद में कंपनियों पे कंपनियां बनाई। इन 2006 बफे मेड एन अनाउंसमेंट। अब बेटा इसके बाद में तो जो उन्होंने गिप्ता पालना शुरू किया, आज से 2 साल पहले की बात होता तो उनके अंडर में लगभग 1,60,000 लोग तो ऐसे थे जो उनसे सैलरी ले रहे थे। मतलब सोचो इनकी इनकम कितनी होगी। वो आपका होमवर्क है इनको स्टडी करना। क्यों स्टडी करना वो मैंने बता दिया। अब अगर आपको लगता है कि बहुत देखना पड़ेगा अच्छे से, तो वो स्टडी करना कि उन्होंने कितने गित्ते पाले हैं, क्या बनाया है। आज वॉरेन बफे वर्ल्ड के अंदर ही सो फेमस विद शेयर मार्केट। 2006 में उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया था कि अब मैं जो भी कमा रहा हूं या मेरी जो भी प्रॉपर्टी है उसका 85% मैं बिल एंड मेल इंडिया गेट्स फाउंडेशन को डोनेट कर रहा हूं। दोस्तों, यूएस की हिस्ट्री के अंदर ये सबसे बड़ा डोनेशन रहा है। इतनी मेहनत से पूरी जिंदगी पैसा कमाने के बाद में कौन इस तरीके से एक झटके के अंदर सारा पैसा डोनेट कर सकता है। और इसके बाद में जो इनका वॉरेन बफे का जो पुराना घर था ना, ये उसी पुराने घर में रहते हैं, उसी पुरानी गाड़ी के अंदर घूमते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये इनका बेसिक फंडा है। वॉरेन बफे को किसी ने एक दिन कहा था, वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफे को किसी ने एक दिन कहा कि अगर आप किसी शेयर्स को होल्ड करना चाहें तो आपका होल्डिंग पीरियड क्या होगा, आप कब जाकर के बेचेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा होल्डिंग पीरियड होगा फॉर एवर। मतलब मैं उस शेयर को कभी बेचना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि इनका पूरा विश्वास है कि आप बस किसी अच्छी कंपनी को पकड़ के रखो, ये आपको फ्यूचर के अंदर बहुत 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 आगे लेकर के जाएगी। इनसे पूछा गया कि 11 साल की उम्र में आपने अपना पहला शेयर खरीदा था तो आपको कैसा लग रहा है। तो उनका जवाब था कि मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने ये काम जल्दी क्यों नहीं किया। आग लगी, फायर आया, गूज़बम्स खड़े हो जाने चाहिए बेटा सुनकर। अब बेटा ये है बोनस पॉइंट आप सभी के लिए, गोल्डन रूल्स बाय कार्तिक सर। मेरे गोल्डन रूल्स जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, जो लोग बिगिनर्स हैं शेयर मार्केट के लिए, जो बिगिन कर रहे हैं, तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना चाहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूं। सबसे पहले बेटा लर्न लॉट्स इफ इन्वेस्टर्स बुक,
आपको बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट की बुक्स खरीदनी चाहिए, उसे पढ़नी चाहिए, खरीदनी चाहिए मतलब पढ़नी चाहिए। ऑनलाइन बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे एक्सेस है, आप ऑनलाइन इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। जब ऐसे बड़े बड़े लोगों की बुक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर से आपको खूब सारे ट्रेजर मिलते हैं, उनके राज की बातें मिलती है, वो ऐसे कहीं नहीं बताएंगे पर अपने खुद की बुक में जरूर लिखेंगे ताकि लोग उनको पढ़े और आगे बढ़े। तो बेटा सबसे पहले खूब सारे बुक्स पढ़िए। दूसरा, स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश न्यूज फॉर मार्केट एनालिसिस लाइक CNBC। बेटा भले इंग्लिश नहीं तो हिंदी, लेकिन न्यूज देखना शुरू करो मार्केट की। अगर आपको मार्केट में जाना है तो पहले आपको न्यूज देखना शुरू करना पड़ेगा, लेकिन मेहरबानी करके 3:30 बजे के बाद में देखना। अगर आप पहले देखेंगे तो क्या खरीदना क्या बेचना, लोगों के इंटरव्यू इसी के अंदर रह जाएंगे। 3:30 बजे के बाद में चालू होता है बेटा इनका एक्चुअल एनालिसिस, कि कोई प्राइस बढ़ा तो क्यों बढ़ा, कोई प्राइस घटा तो क्यों घटा। मार्केट एक्सपर्ट्स आते हैं, उनके साथ में बातें होती है तो वो सुनना चाहिए। स्टार्ट वॉचिंग न्यूज टू नो वॉट इज गोइंग अराउंड। बेटा आपको न्यूज पता होनी चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है, कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है, किसको लॉस हुआ, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, क्योंकि इन सब का बहुत असर पड़ता है। जैसे डीमोनिटाइजेशन का अनाउंसमेंट आता है, GST का अनाउंसमेंट आता है, बजट का अनाउंसमेंट आता है, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया उसका अनाउंसमेंट आता है, NDA गवर्नमेंट आती है उसका अनाउंसमेंट आता है, देयर आर लॉट्स ऑफ अनाउंसमेंट व्हिच कम्स, उसकी वजह से मार्केट में काफी असर पड़ता है। लर्न टू एनालाइज द मार्केट। जब आप न्यूज देखेंगे ना इंग्लिश वाली या शेयर मार्केट वाली, तो उसमें बोलोगे ना एनालिसिस करते, आप देखिए कि किसी शेयर को ये लोग कैसे एनालाइज करते हैं, ये लोग क्या चेक करते हैं उसके अंदर, और उस तरीके से आप भी पर्सनली एनालाइज करना स्टार्ट करो मार्केट को। किसी भी शेयर को पकड़ो, 3-4 अच्छे शेयर चूज करो, उसको एनालाइज करो। इतने सारे शेयर में से कोई शेयर तो होगा जो आपको पसंद आएगा, उसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए। पोर्टफोलियो मतलब एक बुक में आपने लिखा आपका पोर्टफोलियो। उसके बाद में मेक एजम्पशंस एंड चेक द रिजल्ट। वर्चुअल शेयर मार्केट, ये पूरे गूगल पे आज आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। वर्चुअल शेयर मार्केट स्टार्ट करो, मतलब आप ऐसा मान लो कि आपने आज आपके पास में 10,000 रुपए है, आप मान लीजिए आपने 10,000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, और अब आप देखो कि मुझे कौन से शेयर परचेस करने हैं, तो भाई मैंने रिलायंस के इतने शेयर परचेस किए, तो आप 10,000 में से माइनस कर दो, अब मेरे पास में इतने रुपए हैं और मेरे पास में रिलायंस के इतने शेयर पड़े हुए हैं। अब आप देखो कि प्राइस बढ़ता है घटता है, अगर बढ़ता है अच्छा प्रॉफिट आता है, आपको लगता है कि मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना है तो बेच दो। तो अब आपने 50 रुपए में शेयर खरीदा था, 55 में बेचा, एक शेयर पे 5 रुपए कमाया, जितने शेयर आपने खरीदे थे उससे मल्टीप्लाई कर लो तो आ गया आपका प्रॉफिट। इस तरीके से 3 से 6 महीने आप वर्चुअल शेयर मार्केट खेलो, उसको प्रैक्टिस करो कम से कम 6 महीना, और वीकली अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाओ। अब देखो कि वाकई में आज अगर मैंने ये शेयर खरीदा होता तो वर्चुअल में आप देखो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपके डिसीजन सही जाते हैं या गलत, आप जो सोच रहे हैं जिस दिशा में सोच रहे हैं वो सही है या गलत, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। द बेस्ट वे, और सबसे पहले बेटा मान लीजिए ये तो वर्चुअल था तो 10,000 रुपए आपको खाली अमाउंट लिखनी है, लेकिन वाकई में किसी दिन तो बेटा आपको शेयर पहली बार खरीदना है कि नहीं, तो बेटा उस दिन के लिए आपको शुरुआत आज से ही करनी पड़ेगी। तब आपको किसी से मांगना नहीं है कि मुझे पैसे दे, मुझे शेयर में इन्वेस्ट करना है। तो स्टार्ट सेविंग, मनी सेव इज मनी अर्न्ड। याद रखना बेटा, जो पैसा बचाते हैं वो पैसा आपने कमाया है ऐसा मान लिया जाएगा। पेरेंट्स से आपको पैसा मिला 100 रुपया, अब चाहे आप वो बर्गर खाए, चाहे आप वो रिक्शे में जाए, चाहे आप वो एक्टिवा के पेट्रोल में डाले या तो रिचार्ज के अंदर डाले, और या तो उस पैसे को सेव करें, कहीं पे सैक्रिफाइस कीजिए, नाश्ता मत कीजिए, घर का खाना खा लीजिए, कहीं पर भी सैक्रिफाइस कीजिए और अपना एक यू नो पिकी बैंक बनाना शुरू कीजिए, उसमें पैसा डालना शुरू कीजिए। मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। अगर अपनी पढ़ाई को अच्छा टाइम देने के बाद में आपके पास कुछ टाइम बचता है तो आप खूब सारा अच्छा एनालिसिस कीजिए, आप अच्छी स्किल्स डेवलप कीजिए, फिर भी अगर टाइम निकाल सकते हैं तो आपको पार्ट टाइम कहीं पे काम करना स्टार्ट करना चाहिए। मेहरबानी करके अपने पेरेंट्स को ऐसा मत बोलना कि मैं अपना खर्चा खुद उठाना चाहती हूँ या खुद उठाना चाहता हूँ। बेटा ये तमाचा है अपने पेरेंट्स के गाल पे।
क्योंकि आपके मन में ऐसा नहीं होता कि मैं खुद अपना खर्चा उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ, लेकिन पेरेंट्स को तो बेचारों को वही दिखेगा कि लो हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए कि उनको हमारी जरूरत नहीं। इसलिए मेहरबानी करके ऐसे फॉर्म में अपने पेरेंट्स से हमने मत जाइए कि हम खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिजायर एंड डेडिकेशन। स्टार्ट सेविंग, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। लेट योर पेरेंट्स सी योर डिजायर एंड डेडिकेशन। अपने पेरेंट्स को देखने दीजिए कि आप कितने डेडिकेटेड हैं, आप कितने डिजायरफुल हैं। याद रखना, रन टू वॉक, लर्न टू वॉक, नॉट रन टू वॉक, लर्न टू वॉक बिफोर यू रन। भाई पहले चलना सीखो, उसके बाद में भागना शुरू करना। तो अगर भागना है तो पहले आपको चलना सीखना पड़ेगा। और एक बार बेटा आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि यस एवरीथिंग इज परफेक्ट पॉजिटिव, आपके सारे डिसीजन सही जा रहे हैं, आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आप अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप अच्छा टाइम निकाल पा रहे हैं, आपने टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर लिया है, तो अब बेटा छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। पर बेटा इसकी बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। इसका स्टेटमेंट है, बेटर लेट देन नेवर। बेटा ऐसा ना हो कि आपने पैसा डाला और आप एकदम डूब गए और फिर आप डर के मारे कभी इन्वेस्ट ही ना करो, या आपके पेरेंट्स आपको इसमें पढ़ने ही ना देवे, ये तो नेवर हो गया। तो बेटा थोड़ा सा लेट जाना अच्छा, लेट जाना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन सेविंग तो बेटा आपको अभी इसी पल स्टार्ट कर देनी चाहिए। जितना जल्दी सेविंग स्टार्ट करोगे उतना बढ़िया आपको वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। डोंट अंडरस्टैंड योरसेल्फ द किंग ऑफ द मार्केट फॉर द बिगिनिंग सक्सेस। जब आप बेटा मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो और स्टार्टिंग में 100% बेटा प्रॉफिट कमाने ही वाले हो कुछ शेयर्स के अंदर, तो मेहरबानी करके उस टाइम पे अपने आप को मार्केट का राकेश झुनझुनवाला समझने की जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके आप मान लीजिए कि ये लक से हो रहा है, पर अगर वो एटीट्यूड या वो गलत एटीट्यूड आपके माइंड के अंदर आ गया तो फिर बेटा आप ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, लॉस करेंगे, उस लॉस को बुक करने के लिए आप और बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर आप घसते चले जाएंगे, आप ऊपर नहीं आ पाएंगे। इसलिए ग्रीड बिल्कुल भी नहीं, ऑलवेज हैव पेशेंस इन योर माइंड। माय गोल्डन स्टेटमेंट फॉर यू, प्रैक्टिस लाइक यू नेवर वॉन्ट, परफॉर्म लाइक यू नेवर लॉस्ट। दैट्स इट। विद दिस आई एंड माय पीपीटी, द प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग विद पेशेंस, द बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट विद सार्थक।